Hello students, welcome to your science class. Now we are going to begin with a new topic, neutralization. Neutralization word derived from the word neutral. Neutral means no charge. For example, आपके दो friend हैं, उन दोनों में ही किसी बात पर argument है. एक friend कहता है कि ये point है और तुम मेरे साथ हो, दूसरा कहता है कि नहीं मैं सही हूँ, तुम्हें मुझे support करना चाहिए. लेकिन आप उन दोनों में से किसी के भी साथ नहीं हो, आप दोनों में से किसी को भी सपोर्ट नहीं करो, इट मीन्स यू आर न्यूट्रल, मीन्स नो चार्ज. सो अब अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग देखें, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. जब हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं बेस के साथ, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद एनी बेस सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. व्हाई? नॉर्मली क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन है एसिडिक प्रॉपर्टी एंड बेस है बेसिक प्रॉपर्टी एंड बेसिक नेचर. व्हेन वी ऐड टू सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन को जब आप ऐड करते हैं तो वो दोनों क्या करते हैं, दे बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को न्यूट्रल कर देते हैं. एसिड डिस्ट्रॉय द बेसिक नेचर एंड बेस डिस्ट्रॉय द एसिडिक नेचर ऑफ एन एसिड. सो दिस रिएक्शन कॉल, दिस प्रोसेस कॉल न्यूट्रलाइजेशन, मीन्स न्यूट्रल हो जाना एसिड और बेस का. नाउ नेक्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें, व्हेन एन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस, फॉर एग्जाम्पल फॉर HCl, HCl इज अ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. When hydrochloric acid react with and base में हम ले रहे हैं NaOH, sodium hydroxide. Then salt is formed, NaCl, NaMCl, sodium chloride. सोडियम क्लोराइड एंड इट्स अ कॉमन सॉल्ट. ये जो हम कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं किचन में, दिस इज NaCl. सो NaCl इज अ फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड, H2O, एंड सम हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो नाउ सॉल्ट, विच इज आवर थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट. सो सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है, किसी भी एसिड और बेस में जब रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज सॉल्ट. एंड सम अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो रिलीज्ड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अगर आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड और बेस को, HCl और NaH को किसी टेस्ट ट्यूब में आप ऐड कर रहे हो, मिक्सचर कर रहे हो, तो उस टेस्ट ट्यूब का जो टेम्परेचर है वो रेज हो जाता है, वो गर्म हो जाती है. रीजन क्या था, क्योंकि हीट रिलीज होती है, सो हीट रेज द टेम्परेचर. ओके, सो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड और बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. एंड सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट. ओके, सो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस नाउ वी विल नो the applications of neutralization in our daily life. Means हम अपने daily life में किस तरह से neutralization process को हम use कर रहे हैं. So let's start. First is indigestion. You have learned in chapter 2 that HCl, hydrochloric acid, is produced in our stomach. हमारे stomach में HCl acid produced होता है, which is very necessary for the digestion of food. But sometimes when we eat some spicy food or irregularly we eat, then acid which is produced in stomach is released in high quantity. HCl high quantity में release होता है हमारी body के अंदर, produce करता है stomach उसको, and it called acidity. It causes acidity. जिससे acidity हो जाती है. Normally हम use करते हैं इस word को कि आज acidity हो गई है. So this condition called indigestion. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वी यूज सम बेस, हमें किसी बेस की नहीं है. सो फॉर दिस वी यूज एन एंट एसिड. इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एंट एसिड को यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी हम उसको बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम.
and magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide is a base which neutralizes the acid in stomach और हम इसको लेने के बाद कुछ रिलीफ महसूस करते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज एंट बाइट. एंट बाइट यानी कि जब आपको चींटी काट लेती है, एंट स्टिंग. इसमें क्या होता है, एंट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड इन टू आर स्टिंग. जैसे ही आंट हमें स्टिंग करती है, वो दंत मारती है, तो हमारे स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट हो जाता है, जिससे हमें क्या होता है, इचिंग स्टार्ट हो जाती है, जलन होने लगती है. सो फॉर दिस, अब हमें फिर से इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस की नीड है. तो फॉर दिस वी रब बेकिंग सोडा ऑन आवर स्किन. इसमें हम क्या करते हैं, स्टिंग के ऊपर बेकिंग सोडा को डालकर आप उसको रब कीजिए. तो वहाँ पर बेकिंग सोडा इज अ बेस. बेकिंग सोडा क्या है, ये एक बेस है एंड बेस न्यूट्रलाइज दिस रिएक्शन, दिस एसिड, और जिससे हमें आराम मिले. थर्ड इज सॉइल ट्रीटमेंट. प्लांट्स ग्रो इन न्यूट्रल सॉइल. जो हम फसल बोते हैं वो न्यूट्रल सॉइल में बड़े अच्छे से ग्रो करते हैं. बट समटाइम्स द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स बिकम्स द सॉइल एसिडिक. सॉइल की नेचर है, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने से सॉइल की नेचर एसिडिक हो जाती है, जिससे प्लांट की जो हमारी ग्रोथ है, जो यील्ड है, वो प्रॉपर नहीं हो पाती. तो हम उस एसिडिक नेचर को यूटिलाइज करने के लिए वी एड, इफ द सोयल इज एसिडिक इन नेचर देन वी एड दिस, वी एड कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम. ठीक है, तो एसिड नेचर को यूटिलाइज करने के लिए हम उसमें ऑक्साइड बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो ये ऑक्साइड सोयल की एसिड नेचर को न्यूट्रल कर देते हैं. एंड इफ द सोयल इज बेसिक इन नेचर, अगर सोयल की नेचर आपकी बेसिक है, उसमें बेस ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, फॉर बेसिक नेचर वी एड ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर मीन्स मैन्योर. हम इसके मैन्योर, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं ना खाद, मैन्योर, वी कैन एड मैन्योर फॉर दिस. इसकी बेसिक नेचर को खत्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए वी एड मैन्योर इन आवर सॉयल, जिससे वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा. और इन दोनों को न्यूट्रल करने के लिए हम इनमें, ये दो ऑप्शन मैंने बताए हैं, हम इनमें ऐड करते हैं, जिससे सॉयल की नेचर न्यूट्रल होगी और जो हमारी फसल है वो अच्छे से ग्रो करेगी. लास्ट इज फैक्ट्री वेस्ट. जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं, सम वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर. इन दिस वेस्ट एसिड्स आर प्रेजेंट. तो फैक्ट्रीज क्या करते हैं, दे डिस्चार्ज द फैक्ट्री वेस्ट, दिस एसिडिक वेस्ट, इन टू वाटर बॉडीज. अब जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो रिवर है या पॉन्ड है, जिसमें इस फैक्ट्री का ये डिस्चार्ज जाएगा, जो वेस्ट जाएगा, तो उससे उस वाटर पर क्या असर पड़ेगा, इट बिकम्स एसिडिक, जिससे उसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उन सबकी डेथ भी हो सकती है. तो कोई भी फैक्ट्री अपने वेस्ट को किसी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करने से पहले उसको ट्रीट करती है, एंड दे ऐड सम बेस इन दैट वेस्ट, जिससे वो एसिडिक जो उसकी नेचर है उस वेस्ट की वो नहीं होती है, एंड इट बिकम्स न्यूट्रलाइज्ड. जिससे आप उसको किसी वाटर बॉडीज में डाल रहे हैं, किसी सॉयल में भी आप डाल रहे हैं, तो वो उसको हार्म नहीं करेगा, एंड इट मतलब इतना हार्मफुल नहीं रहता. सो इट्स क्लियर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ. थैंक यू सर.